हरियाणा प्रदेश की सियासत की बात की जाए तो भजन लाल जी का नाम काफ़ी ऊपर आता है इस सियासत की लिस्ट में, और भजन लाल जी की ही सोच को आगे बढ़ा रहे हैं श्री कुलदीप बिश्नोई जी, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से। कुलदीप जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, अपने पिताजी की सोच को सियासत में किस तरह से आगे लेके जा रहे हैं आप? देखिए, उनकी जो सोच थी, उनकी कार्यशैली थी, उसी से प्रेरित होके आप पिछले 32 साल से जो मैं ईमानदारी से राजनीति कर रहा हूँ, और जिस प्रकार से मेरा लगभग 8 साल का मेरा 9 साल का मेरा संघर्ष रहा हरियाणा जनता कांग्रेस पार्टी में, और लोगों के सीधा जुड़ाव, लोगों के लिए संघर्ष करना, मैं लाठियां से लोगों से खाई है, तो जनहित के लिए, जनता के लिए, जन के लिए आगे कार्य करने की प्रेरणा उनसे मिली, उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर इस विधानसभा आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनके ऊपर काम करना ज़रूरी है, जिनके बाद जब अगर आप जीत जाते हैं तो उसके बाद आप किन किन चीज़ों पे कार्य करने वाले हैं? देखिए, समस्याएं मेरे इलाके के अंदर बहुत है। सबसे पहली समस्या तो आदमपुर मंडी और लाइन पार में सीवर व्यवस्था और गलियों की है, और ढाणियों में पूरी बिजली देने की बात है, टेल तक पानी पहुँचाने की बात है, और नौजवानों को पर्याप्त उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से रोज़गार देने की बात है। और मेरा व्यक्तिगत प्रयास यहाँ रहेगा एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी पिताजी के नाम पे, और एक बहुत बड़ा कॉलेज, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बनाने का पिताजी के नाम पे मेरा प्रयास रहेगा इस इलेक्शन के बाद, जो लोगों की मांग है। जैसे कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो एक तरफ आप हैं, आपके साथ कांग्रेस का साथ है, और साथ ही भजन लाल जी की, स्वर्गीय भजन लाल जी की सोच है, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा की लहर है और सोनाली फोगाट की फ़ैन फॉलोइंग है। क्या लगता है आपको, सोनाली फोगाट की फ़ैन फॉलोइंग वोट्स में तब्दील हो पाएगी? क्या आप उनके वोट्स को तोड़ पाएंगे? देखिए, पहली बात तो भाजपा की कोई लहर हरियाणा में नहीं है, और सरकार हर हालत में कांग्रेस पार्टी बनाएगी हरियाणा के अंदर, क्योंकि लोग मनोहर लाल खट्टर की कार्यशैली से खुश नहीं हैं, उनके घमंडी एटीट्यूड से खुश नहीं हैं, कभी कहते हैं गर्दन काट देंगे, या आदमपुर में महिलाओं कह दिया कि निकल जाओ, गेट आउट हो जाओ, स्त्री महिलाओं का अपमान, इस प्रकार की बहुत सी मिसाल है, किसानों का कि मैं तेरे गोली मरवा दूंगा, जेल में डाल दूंगा, इस प्रकार की बातें घमंडी आदमी कर सकता है, तो लोगों को उनकी कार्यशैली और उनकी सोच पसंद नहीं है। और जहाँ तक जो हमारे बीजेपी कैंडिडेट की बात है, उनकी आदमपुर में मुझे लगता नहीं कोई फ़ैन फॉलोइंग है, कोई उनका वोट बैंक है, क्योंकि कभी आदमपुर में आई नहीं, कभी आदमपुर को देखा भी नहीं होगा नॉमिनेशन से पहले, नॉमिनेशन के बाद पहली बार ज़िंदगी में आदमपुर आई होंगी, उनको कौन, उनका कौन वोटर होगा यहाँ पे कि भाई आपने कहा उनके वोट तोड़ पाएंगे। फ़ैन फॉलोइंग होना और बात है, वोट तब्दील होना और बात होता है। कुलदीप जी, भाजपा की ये स्ट्रैटेजी कहीं काफ़ी समय से नज़र आ रही है कि साज को वोट दिया जाता है ताकि साज की फ़ैन फॉलोइंग को वोट बैंक में तब्दील किया जाए। एग्जांपल लेंगे हम गुरदासपुर में सनी देओल का, और यहाँ पे सोनाली फोगाट। आपको क्या लगता है ये जो नीति अपनाई जा रही है भाजपा द्वारा, वो कैसी नीति है, क्योंकि किसी स्टार को क्या आटे दाल के भाव बताऊँगे? नहीं, देखिए, बहुत गलत सोच है। सनी देओल को MP का टिकट दिया, और आपको याद होगा सनी देओल ने जीतते कह दिया भाई मैं तो रहूँगा बॉम्बे में, मेरा ये आदमी देखा करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारा MP एक बनाया था, वो भी MP दिल्ली से आया, चुनाव जीतने के बाद इसने कहा कि सड़कें बनाने मेरा काम नहीं, गलियां बनाना मेरा काम नहीं, पानी देना मेरा काम नहीं। इसी प्रकार यहाँ पे सोनाली फोगाट को उतार दिया, जिनको हलके के 5 गांव का नाम नहीं पता, जिनको किसी एक गांव का रास्ते का नहीं पता, जिनको यहाँ के लोगों की समस्याओं का नहीं पता, जिसको लोगों के भावनाओं का नहीं पता, ऐसे आदमी को हेलीकॉप्टर से उतार दिया कि स्टार होने के नाते वोट ले लें कि भजन लाल परिवार आदमपुर ख़त्म हो सके, लेकिन लोग वर्गलाएंगे, बहकावे में नहीं आएंगे। कुलदीप जी, बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, क्या लगता है कि अशोक तंवर के छोड़ने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, या फिर जो गुटबाजी थी कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं वो खत्म होती नजर आए? देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ा समुद्र है, किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अशोक जी को निसंदेह अपना फैसला बदलना चाहिए, अच्छे नेता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी अगर है तो वो नाराज़गी कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिलकर बताएं, और मैं समझता हूं ये फैसला उनको अपना कांग्रेस छोड़ने का वापस लेना चाहिए। आखिरी सवाल है कुलदीप जी, जब बात की गई थी सोनाली फोगाट की तो आपने एक बार कहा था कि सोनाली फोगाट को हम स्वागत करते हैं, उनको हम बिठाएंगे, उनको हम हलवा खिलाएंगे और उसके बाद वापस भेज देंगे, तो इस जो आपके जो कमेंट था, इस कमेंट का असली मतलब क्या था, तात्पर्य क्या था, मतलब आपकी जीत पक्की है, उनको हरा के मतलब घर भेजना ही है? जीत तो आदमपुर जीतता रहा है पिछले 50 साल से, आदमपुर वर्सेस अदर होता है, आदमपुर इस बार भी जीतेगा, और हमारा क्योंकि ये चौधरी भजन लाल जी का इलाका है, यहाँ हम बाहर से आए हुए मेहमानों का सम्मान करते हैं, तो वो बाहर से आई हैं, ना वो आदमपुर की हैं, ना वो हिसार जिले की हैं, ना वो इस हार पार्लियामेंट की हो, फतेहबाद की, सिरसा पार्लियामेंट की रहने वाली हैं, तो हमारी मेहमान है, तो मेहमान का सम्मान करना चाहिए, वही मेरा तात्पर्य है। आएंगी, हलवा खिलाएंगे, चूरमा खिलाएंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे हम। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सोनाली फोगाट को, एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहूँगा कि राजनीति अगर आपको करनी है तो ज़मीन से जुड़ना पड़ेगा आपको, पहले यहाँ आदमपुर में
पाँच साल दस साल आप मेहनत करिए, आदमपुर के लोगों के लिए कुछ करके दिखाइए। पाँच साल बीजेपी की सरकार रही यहाँ पर, पाँच साल के अंदर कोई एक काम यहाँ किया हो तो बताए। जबकि बालसमंद में उनका, वो कहती है मेरा नानका है, तो बालसमंद के अंदर उन्होंने पंचायत की ज़मीन उनके नान के लोगों ने कब्जा किया हुआ है कॉलेज के लिए। जो चौधरी भजनलाल जी ने कहा था बालसमंद में कॉलेज बनना चाहिए, बन जाता, लेकिन फोगाट के नानके के लोगों ने वह ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, जिसका आज भी बालसमंद हल्के के गाँव के लोग विरोध कर रहे हैं। तो पहले तो वो ज़मीन छोड़ें, उन गाँव के लोगों को दें, कन्याओं के लिए कॉलेज बन सके वहाँ पर। और फिर बीजेपी पाँच साल में उन्होंने क्या करवाया आदमपुर में, उसका आपके माध्यम से खुलासा करें कि मैंने पाँच साल में आदमपुर में इतनी बार में आई और मैंने पाँच साल आदमपुर में ये काम किए, जो कुछ किया नहीं है। तो उनको मेरा आपके संदेश है कि पाँच साल दस साल मेहनत करिए, काम करवाइए, लोगों के बीच में रहिए, लोगों के दुख सुख को जानिए और ये समझिए गाँव कौन सा गाँव कौन सी तरफ पड़ता है, ये थोड़ा सीखिए, फिर वोट मांगिए। 75 बार का नारा पूरा हो जाएगा, 75 की जीत कब जरूर कर देंगे यहाँ पे हम पूरा, 75,000 की जीत का। तो ये था हमारे साथ कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि सोनाली फोगाट स्टार जो की हैं, एक टीवी स्टार को टिकट देना कैंडिडेट की तरह उतारना गलत है, और साथ ही जिनको आम आदमी की समस्याओं के बारे बिल्कुल नहीं पता होगा, जिसके करके यहाँ पे आदमपुर के अंदर कांग्रेस की जीत निश्चित है। कैमरामैन राजेश के साथ अनमोल सिंह गुलाटी, रिमिक इंडिया न्यूज़, आदमपुर।